कुर्बानी देने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब हामिद मीर साहब को दावत दे रहा हूँ। खड़े हो जाए, चंदों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाते हैं हामिद मीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस स्टेज पर एक खास मकसद के लिए आया हूं। आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इसलिए कि आज सुबह हमारी जो कुछ ख्वातीन कुलीग्स हैं, जो ख्वातीन सहाफी हैं, उन्होंने ये शिकायत की थी कि वो आजादी मार्च का जो आपका जलसा है इसको कवर करने के लिए जब यहाँ पे आई तो उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। कुछ हमारी पुलिस थी, उन्होंने ट्वीट्स की, कुछ ने मुझे फोन किया, तो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया कि ये सूरत हाल है, आगे आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है, लेकिन ये एक शिकायत है और हमें उम्मीद है कि आप ये शिकायत दूर करेंगे। तो चंद मिनट के अंदर अंदर जनाब सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इस स्टेज पर आए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हदायत को सामने रखते हुए उन्होंने यहाँ से ऐलान किया कि आप सब ख्वातीन का एहतराम करें और जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाली हमारी ख्वातीन बहनें और बेटियां हैं अगर वो यहाँ पे आ रही हैं कवर करने के लिए तो उनको आने दिया जाए, उन पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। और ये जो आपका ऐलान था, इस ऐलान ने पाकिस्तान की तमाम सहाफी बरादरी को मजबूर किया कि हम आपका यहाँ पे आकर शुक्रिया अदा करें। तो मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वो तमाम ख्वातीन सहाफी जो इस वक्त अब आपके मजमे में आ चुकी हैं, यहाँ पे अपने काम कर रही हैं, इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 2014 का जो धरना था उस धरने में ख्वातीन सहाफियों पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी, लेकिन उस धरने में हमारी बहुत सी ऐसी कुलीग्स थी जिनको लाइव प्रोग्राम के दौरान उनको पत्थर मारे गए, उनको बोतलें मारी गई। हमारी एक जो कुलीग थी सना मिर्जा, लाइव प्रोग्राम के दौरान उसको पत्थर लगा, वो रोना शुरू हो गई, तो किसी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, किसी ने उससे माफी तक नहीं मांगी। लेकिन आज हमने आपको, जब आप अपनी एक शिकायत मौलाना फजलुर रहमान साहब तक पहुंचाई तो कुछ ही देर में उन्होंने वो शिकायत दूर कर दी। तो मैंने कहा कि ये 2014 के धरने और 2019 के धरने का फर्क है, तो ये फर्क तो बयान करना चाहिए। हम भी पाबंदियों का मुकाबला कर रहे हैं, तो हम ये गुजारिश करते हैं कि वो अपोजिशन पार्टियां जो आजादी सहाफत का नारा लगाती हैं वो भी हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगी। तो एक पाबंदी गलत फहमी की बिना पे लगी, आपने उसको खत्म किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आपके जो मुतालबात हैं उन मुतालबात में आप ये मुतालबा भी शामिल करेंगे कि पाकिस्तान की सहाफत पर जो गैर ऐलानिया सेंसरशिप आयद है इस सेंसरशिप को खत्म किया जाए, क्योंकि ये आयन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान की सहाफी बरादरी की तरफ से मैं सिर्फ इतना कहूंगा हबीब जालिब के कुछ अशार की सूरत में कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू होने वाला, तू गरूब होने वाला। आजाद सहाफत जिंदाबाद, आजाद सहाफत, आजाद सहाफत। मोहतरम हामिद मीर, हामिद मीर, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे।
چھایا چھایا آزادی لینے آیا کنیکٹ